इंदौरा में आए दिन यातायात की समस्या एक विकराल रूप धारण कर चुकी है। दुकानदारों ने सड़कों पर बेखौफ अतिक्रमण किया हुआ है और प्रशासन कभी कभार नींद से जाकर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाता है और उस अभियान का असर एक या दो दिन के बाद जस का तस रहता है। उसी अभियान के तहत आज SDM इंदौरा गौरव महाजन ने बैरियर चौक से इंदौरा बाजार तक दुकानदारों द्वारा किए अतिक्रमण को हटाया और वही दुकानदारों को चेतावनी भी दी। मौके पर बताते हुए SDM गौरव महाजन ने बताया कि यातायात को सुचारू ढंग से चलाने के लिए आज उनकी तरफ से अतिक्रमण को हटाया गया है और वही दुकानदारों को चेतावनी दी गई है कि अगर वह अपनी दुकानों का सामान दुकानों से बाहर लगाते हैं तो उनके सामान को जब्त कर लिया जाएगा। इंदौरा बस स्टैंड पे ट्रैफिक की समस्या के बारे में शिकायतें प्राप्त हो रही थी, जिसमें यह पाया गया कि यहाँ पर कुछ दुकानदारों ने सड़क के ऊपर ही कब्जा करके रखा हुआ है। तो आज मैंने मौका पर आकर कब्जों को हटाया है और सभी यहाँ के जो निवासी हैं उनको यह अनुरोध किया है कि वो यहाँ पर सड़क कब्जा ना करें ताकि जो आने जाने के लोग हैं उनको असुविधा का सामना ना करना पड़े। सर, अगर भविष्य में ऐसा करता पाया गया तो क्या कार्रवाई की जाएगी? तो वारंट के चालान वगैरह काटे जाएंगे।